पश्चिम सिंहभूम के वैतरणी नदी तट पर स्थित राम तीर्थ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर भक्तों की अपार भीड़ जुट रही है। आम से लेकर खास तक यहां पहुंचे और प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन किए। वहीं मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा कर प्रभु श्री राम से मन्नते मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरानी मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जब 14 वर्षों के वनवास पर थे तो उस समय यहाँ भी पहुँचे थे। तीनों ने वैतरणी नदी के इस तट पर आराम किया था। इसके बाद भगवान राम ने खुद अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग की पूजा की थी। कुछ दिनों तक यहाँ विश्राम करने के बाद भगवान राम नदी पार कर आगे की यात्रा पर निकल गए थे। कहा जाता है कि वे जाते समय अपना खड़ाऊ और पदचिन्ह यहाँ छोड़ के गए थे। पास के देवगांव के एक देवरी को इसे लेकर जब सपना आया तो इस स्थान के बारे में लोगों को पता चला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे राम तीर्थ मंदिर का स्वरूप दे दिया। मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग प्रभु श्री राम से मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ विशेषकर मकर संक्रांति के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। राम तीर्थ मंदिर परिसर में रामेश्वर शिव मंदिर, बजरंग बली मंदिर, सीताराम मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर भी है। ये सभी मंदिर देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मन को काफी सुकून देता है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं भगवान श्री राम के पद चिन्हों का दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। सुने क्या बोले पुजारी, भक्त और नेता। अरे मकर संक्रांति दिन यहाँ डुबका लगा के बाबा के दर्शन करते हैं। पहले श्री रामचंद्र जी जब आए थे वनवास का समय में, वो राम जी की मैंने बाबा की पूजा की थी, इसीलिए राम तीर्थ ने नामकरण किया गया है। और गांव का एक आदमी था जो वृंदावन घना और जो नंदकिशोर घना और जो वल्लभ घना, ये सब आदमी और कितना घना वंश का जो आदमी है यहाँ का देवगांव का, ये सब आदमी ने मंदिर को बनाया है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा सारे लोग खुशी से रहे, समृद्धि शक्तिशाली बने, यही शुभकामनाएं देते हुए आज हम सभी प्रत्येक साल यहाँ हम आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र समृद्धशाली हो, इसी के लिए हम लोग सभी आते हैं और खुशी मनाने के लिए आते हैं। सारे लोग अब जनशाला आप जो देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम यहाँ होते आया, और पूजा कमेटी को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत सुंदर ढंग से आज मतलब लोग व्यवस्थित ढंग से लोग ड्यूटी कर रहे हैं और आज हम लोग हर वर्ष की भांति हम लोग यहाँ मकर संक्रांति पर रामतीर्थ पर आए हैं और यहाँ सभी श्रद्धालुओं से मिले। ये जो तीर्थ स्थल है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए भी और धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस जगह कई अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं, उड़ीसा से, बंगाल से और पूरे झारखंड से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में यहाँ दिन ब दिन जो दर्शन के लिए लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके मद्देनज़र इस क्षेत्र इस प्रांगण का और विस्तार होना चाहिए और यहाँ और सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। और आज के दिन हम सारे हमारे एक मानना है यहाँ इस मकर संक्रांति में यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर शिव जी का हम लोग पूजा अर्चन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जब राम का जब वनवास के दौर में इस रास्ते से गुजर करके यहाँ पर आए हुए थे, उनका प्रचलन यहाँ पर पड़ा था, तो इस नाते भी इस जगह का काम, इस जगह का जो भी स्थान है ये बहुत ही पवित्र स्थान है और बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर लोग आते हैं। हर साल मकर संक्रांति के दिन में यहाँ पूजा अर्चन होती है। यहाँ कुछ सुविधाएं देने की जरूरत है, हम लोग भी ये महसूस किए हैं। पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया यहाँ पर
बोलते शौचालय बनवाए, कम्युनिटी हॉल बनवाए हम लोगों ने। आपको देखे होंगे कि जो उड़ीसा और झारखंड को जोड़ने के लिए जो ब्रिज है, उस ब्रिज को हम लोगों ने बनवाया। चूँकि दूर दराज से भी लोग आते हैं, ट्रेन से भी आते हैं, तो यहाँ रामतीर्थ से लेकर के डंगोपोसी ये रास्ते को भी हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया, बनवा दिया, ताकि श्रद्धालुओं को ट्रेन से आने वाला, बस से आने वाले, चाहे अपनी पर्सनल गाड़ी से आने वाले हो, वाहन से आने वाले हो, उन सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। कोहराम लाइव के लिए चाईबासा से करमवीर शर्मा की रिपोर्ट।